नमस्कार, जय भीम, जय भारत। दोस्तों मेरा नाम सुमित, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छी खबर देने वाला हूँ। अच्छी खबर है जय भीम मूवी के बारे में। सूर्या की जो जय भीम मूवी आई थी उससे धमाल मचा चुका है। मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ कि ये मूवी पूरे इंडिया में कमाल कर चुकी है और इसने 9.6 रेटिंग हासिल कर ली थी। रेटिंग के मामले में इस मूवी ने अभी तक कई हॉलीवुड फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ दोस्तों, ये पेपर कटिंग देखिए, इसमें पूरे एक आर्टिकल लिखा हुआ है जय भीम मूवी के बारे में कि जय भीम मूवी ने किस प्रकार से द गॉडफादर, एक मूवी आई थी द गॉडफादर करके हॉलीवुड की, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि पूरे विश्व भर में जय भीम मूवी धमाल मचा रही है अपने कंटेंट की वजह से और जो टॉपिक चुना है डायरेक्टर ने उसके वजह से, क्योंकि मूवी है ही इतनी औसम। और आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो आपने बहुत कुछ मिस कर चुके हो। आप बहुत बड़ी मूवी मिस कर रहे हो। जाके सबसे पहले Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन लीजिए और मूवी देख लीजिए दोस्तों। हे गाइस, एक बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है। आपको मैं बता दूं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी अभी दो दिन पहले अपने FB पेज यानी कि भीम आर्मी के ऑफिशियल पेज के ऊपर लाइव आए थे। लाइव आकर उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग करी है सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी को एक सिंबल दिया जाए। जैसा कि आपको पता होगा, भाजपा का सिंबल चुनाव चिन्ह कमल है, कमल का फूल है, वहीं कांग्रेस का पंजा है, BSP का हाथी है, समाजवादियों का साइकिल है। उस प्रकार से भीम आर्मी की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसका कोई भी अभी तक ऑफिशियल यानी कि पूरे देश भर में जाने पहचानने वाला कोई भी सिंबल नहीं है। हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। अभी तक भीम आर्मी का या उसकी पार्टी का जो आजाद समाज पार्टी है उसका कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है। वो अभी तक केवल निर्दलीय तौर पर, अभी भी आपने देखा वो कई जगह उपचुनाव लड़े थे भीम आर्मी की पार्टी, आजाद समाज पार्टी ने, आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेटों ने निर्दलीय चुनाव जो मिलते हैं, किसी को ऑटो मिल जाता है, किसी को ट्रैक्टर मिल जाता है, किसी को बेलन मिल जाता है, इस प्रकार के चुनाव चिन्हों पे अपना चुनाव लड़ा था। लेकिन अब चंद्रशेखर जी की मांग है कि अब उनको एक चिन्ह दिया जाए यूपी विधानसभा में, कि उसी चिन्ह पे पार्टी पूरी सभी जगह पे चुनाव लड़े। तो गाइस, आप इस मांग को जायज मानते हो या नहीं मानते हो, वैसे आगे जो भी फैसला होगा वो आपको मैं बता ही दूंगा कि उनको चिन्ह मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि भारत दस्तक आपको सबसे पहले बता ही देगा, आपके घर तक हर भोजन की खबर लेकर आएगा ही आएगा। तो दोस्तों अभी तक की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूले। उसको दबाकर हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाइए, वो भी फ्री में, और देखते रह करिए भारत दस्तक, भोजनों की हर खबर आपके घर तक।